किचन के अंदर लड्डू बना रही थी और वो मेरे सामने आकर मुझे घूरने लगा। अच्छा? हाँ, मैंने कितने डांटा फटकारा फिर भी वो बाज नहीं आता। मैंने कहा प्लीज मेरा पीछा मत करो, प्लीज मुझे तंग मत करो। फिर क्या, वो फिर से मेरे सामने आया और मुझे कितना डराया। मैं अंदर किचन में नहीं जाने वाली हूँ। नहीं, आई एम नॉट गोइंग। कौन है ये हरामजादा? मैं अभी उसे निकालता हूँ। विकी, विकी तुम मेरे साथ चलो ना। चलो। रवि, हम दो हैं, वो अकेला है। इट्स एथिकली रॉन्ग, तुम अकेले जाके लड़ो, जाओ जल्दी। ओके। विली, विली, तुमने उसे घर में घुसने क्यों दिया? दरवाजा बंद रखना चाहिए। वो दरवाजे से थोड़ी अंदर आया था। तो क्या खिड़की से आया था? दरअसल वो कहीं से नहीं आया था, वो यहीं पैदा हुआ था। यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ और यही लाइन भी मारने लगा, वो भी तुम पर। क्या? हाँ? क्या उम्र क्या है उसकी? 24, 25, 26? 10। हाँ? 21वीं सदी, बाप रे कितनी तेजी से आगे जा रही है। 10 साल का होकर तुम पर लाइन मार रहा। 10 साल का नहीं विनी, 10 दिन का है। ले। दे, 10 दिन का? हाँ, और वो अंदर अपने 4-5 भाइयों के साथ रह रहा है। इतने दिनों से पूरी फैमिली यहाँ पर रह रही है और तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया। अब मैं क्या करूँ, कैसे उसे बाहर निकालूँ? कान पकड़ कर निकालो उसे। हाँ। कान पकड़ने के लिए अगर मैं बिल के अंदर हाथ डालूँ तो वो मुझे काटेगा नहीं? बिल? तुम्हारा मजनू चूहे जितना है कि बिल बनाकर रहता है? और नहीं तो क्या इंसान है? हाँ? मतलब सच में चूहा है? और नहीं तो क्या, अगर एक लड़का मुझे ऐसे तंग करता तो मैं थोड़ी शिकायत करने वाली हूँ। डर गई, जुए से डर गई। अरे किचन में शेर घुसता तो क्या करती? चीख सुनकर कैसा भाग गया साला। हाँ, पता है कितने बड़े बहादुर हो, इसलिए पिछले 4 दिन से एक चूहा भी मार नहीं सके। कर रहा हूँ ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, इसलिए तो किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में, स्टोर रूम में, सभी जगहों पर मैंने आटे के साथ चूहे मारने की दवाई मिलाकर रख दी है। चूहों को मारने की दवाई है या शक्तिवर्धक टॉनिक मालूम नहीं, लेकिन अंदर चूहों की आबादी बढ़ती जा रही है। धीरज रखो विली, धीरज रखो। धीरे धीरे कुछ ही घंटों में दवाई की असर शुरू हो जाएगी, फिर देखना बाथरूम में, टॉयलेट में, किचन में, स्टोर रूम में, सभी जगहों पर मरे हुए चूहे की डेड बॉडी की लाश नजर आएगी। मरे हुए की डेड बॉडी को ही लाश कहते हैं? ए, 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 मरे हुए को ही डेड बॉडी कहते हैं। तुम दोनों मेरी तरह क्यों बातें करने लगे हो? चुप चल। सुन, चूहे की डेड बॉडी मिले तो इसे घर के बाहर फेंक देना जल्दी से, एक सबूत भी मिलने ना पाए। यानी वो काम भी मैं करूं? तो फिर क्या मैं करूं? मुझे लड्डू बनाने हैं, मेरे पास वक्त नहीं। ये लो, लगे रहो। गो फिनी, जाकर जल्दी से शिकार करो चूहों का, जाओ। हाँ, आ रही हूँ। कहिए। मैं गणेश जी का आदमी हूँ, घर में कोई आदमी है? मैं हूँ ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब है विनी है ना, विनी। रुके, बुलाती हूँ। विनी, विनी, विनी। अरे विनी, तुम चूहों के डर से ही छिपे हो? नहीं, डर से नहीं, चूहे मारने के लिए। सुनो, तुमने किसी गणेश जी से पैसे उधार लिए थे? गणेश जी? नहीं, गणेश जी से नहीं, शिव जी से लिए थे। तो फिर किसी गणेश जी को चेक दिया था बाउंस होने वाला? नहीं नहीं, गणेश जी को नहीं दिया था, राम जी एंड सन्स को दिया था एक। अरे तो किसी ऐसे गणेश जी को जानते हो जिसका आदमी तुम्हें ढूंढ रहा हो? नहीं। अरे कहाँ गए सब लोग? अभी देखता हूँ। जल्दी जल्दी। हाँ बापा, पर ये जल्दी बुला रहे, चलो जल्दी। यस, मैं गणेश जी का आदमी हूँ। कौन गणेश जी? आप गणेश जी को नहीं पहचानते? नहीं। तुम जानती हो? नहीं। आप भी नहीं जानते? अरे वो गणेश जी, फिल्मों वाले गणेश जी, जिनका गाना आता है ना, वो देवा हो देवा गणपति देवा, हमसे सॉरी तुमसे। गणेश जी भगवान, गणेश जी भगवान। हाँ, पर उनके आदमी नहीं होते, उनके तो भक्त होते हैं। अब भक्त हैं? मैं भी उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसीलिए सारे काम धंधे छोड़कर गणेश मंडल का सेक्रेटरी बना हूँ। वेरी गुड। जाइए जल्दी से, 100 का नोट लाइए। 100 का पता? ये काहे का? देखे बहन जी, प्यार से मांग रहा हूँ, इज्जत से मांग रहा हूँ, बहस नहीं करना। ये प्यार है तो धमकी क्या होगी? लेकिन पैसे है किस लिए? चंदा, गणेश उत्सव का चंदा। चंदा दे दिया है मैंने, देखो। हाँ। देखो रिसीप्ट, देखो
ये तो हमारे गणेश मंडल का नहीं है, ये तो दूसरे गणेश मंडल का है। अरे दिन में चार चार लोग आते चंदा मांगने के लिए, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते हा? सब मिलकर एक मंडल क्यों नहीं बनाते? देखे बहन जी, हमारी भक्ति बहुत ऊंची है, वो सब सारे बेकार लोग हैं। हाँ ये तो सच बात है, पिछले साल सारा दिन लाउडस्पीकर चलाया था। आप घबराइए मत, हम दिन में नहीं पूरी रात लाउडस्पीकर चलाएंगे, सारे पैसे वसूल। जल्दी 100 करोड़ निकालिए। विकी तुम्हारे 100 रुपए लौंड्री के दे रहा हूँ। 100 रुपए कम लगे ना, घबराइए मत, नवरात्रा में इससे ज्यादा लेंगे। थैंक यू 100 रुपए अरे नहीं सुनिए, बिनी यू इडियट, मेरे पैसे को दिए। 100 रुपए हे गणेश जी। थैंक गॉड, 100 रुपए का नुकसान हो जाता है, हम बच गया। आंटी ये ऊपर कौन रहता है? ऊपर कोई नहीं रहता, हमें चाहता है हम और हमारा 3 बच्चा विकी विली भी नहीं। वो आपके बच्चे हैं? मुझे तो बड़े शरीफ लगे। कामयाबी, सक्सेस। लोग शिकार करने के बाद शेर के साथ फोटो निकालते हैं, मैं चूहे के साथ निकालूंगा। ये क्या है? मेरी कामयाबी का सबूत, चार चार दिन की कड़ी मेहनत के बाद मैंने इसे मारा है। तुमने इसको मारा है? मैंने, मैं नहीं मानती, ये चूहा बेचारा अपने आप मर गया होगा, तुम क्या उसको मारेगा? अरे क्या मैं चूहे को नहीं मार सकता? नहीं। अरे घर के कोने कोने में घुस घुस कर मैंने आटे में मिलाई थी चूहे मारने की दवाई, समझे ना? तुमको शर्म आना मांगता है। क्यों? क्योंकि तुम चूहा मारा है इसका वास्ते। क्यों? अरे चूहा जो है गणेश जी उसका ऊपर राइड करता है मालूम, वो उसका फास्ट फ्रेंड है, और तुम चूहे को ही मारा। हॉरिबल। क्या हॉरिबल? मतलब ये कि पूरा कंट्री का अंदर गणेश जी का फेस्टिवल मनाया जाता है और तुम चूहा मारता है। मगर आंटी क्या, गणेश जी सिर्फ 10 दिन का वास्ते आता है और उनके सामने तुम चूहे को मारते हो। 10 दिन का वास्ते तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता क्या? आंटी मारना जरूरी था? अरे पर उससे क्या बिगड़ जाएगा? बहुत कुछ बिगड़ जाएगा मालूम, गॉड का गुस्सा तुमने नहीं देखा है। हाँ, तुम्हारा गॉड गुस्सा तो आएगा, हमारा गॉड गुस्सा नहीं था। तुम्हारा हमारा गॉड अलग अलग थोड़ी है, हिंदू क्रिश्चियन सबका गॉड एक ही है। गॉड आदमी आदमी में फर्क नहीं समझता क्या, समझा? और जब गणेश जी को पता चलेगा कि एक गधा एक चूहा को मारा तो वो तुमको शाप देगा, कर्ज करेगा। हाँ मैं नहीं मानता। अरे मैं तो 21वीं सदी की ओर जा रहा हूँ, मैं ऐसे अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता, समझे ना? 21st सेंचुरी के और जा रहा हूँ, बहुत जोश के अंदर बोलता है। जब झटका लगेगा ना तब पता चलेगा। क्या झटका? कुछ झटका वटका नहीं होता। शट अप, झटका लगेगा तब पता चलेगा। हम विली के पास जाता है, हम तुम्हारा जैसा पापी के पास नहीं ठहरेगा। झटका, ये बूढ़ी पागल हो गई। झटका लगेगा क्या आएगा झटका? झटका बकवास, काय का झटका? कुछ नहीं। लड्डू बन गया? हाँ आंटी, कोशिश तो लड्डू बनाने की थी लेकिन पता नहीं क्या हो गया। आंटी आप ही चक्कर देखो ना। नो, हम रिस्क नहीं लेगा। हमारा मतलब है गॉड को चढ़ाने से पहले टेस्ट करना नहीं मांगता। ओह, लेकिन भगवान को ये मेरा प्रसाद पसंद आएगा ना आंटी? हाँ जरूर आएगा, काय को नहीं आएगा, बहुत अच्छा है। थैंक यू आंटी। आंटी बिली ये देखो सड़ा हुआ नारियल। अभी सड़ा हुआ नारियल कैसे चढ़ा सकते गणेश जी को? लेकिन ये सड़ कैसे गया, जब मैं लाई थी तो ठीक था। पूजा का दिन नारियल का सड़ना अच्छा नहीं होता मालूम। मैंने विनी को पहले ही मना किया था कि इस पागल को भेजेंगे ना तो यही होने वाला है। ओह गॉड, पता नहीं इस घर में किसने बड़ा पाप किया इसलिए नारियल सड़ गया। माय गॉड, झटका। पूजा का दिन नारियल का सड़ना अच्छा नहीं होता। पता नहीं ऐसा क्या पाप हुआ घर में कि नारियल अचानक सड़ गया। देखो सड़ा हुआ नारियल, क्या ये चढ़ाएंगे गणेश जी को? अरे पूजा का दिन नारियल का सड़ना अच्छा नहीं होता। पता नहीं ऐसा क्या पाप हुआ घर में कि नारियल अचानक सड़ गया। नारियल ये चढ़ाएंगे गणेश जी को? सड़ा हुआ नारियल ऐसा क्या ये चढ़ाएंगे गणेश जी को?
वापस सुना हुआ नारी क्या ये चलेगी ऐसा क्या काम हुआ घर में ये नारी लगा सर गया सुना हुआ नारी क्या ये चलेगी तेरे शिको विनी विनी तुम जाकर एक नारियल लेके आओ ना हाँ अरे ये क्या कर रहे हो चूहों के लिए आटे के लड्डू दवाई डाली है इसमें अरे डैम गुड आइडिया विनी जहाँ जहाँ चूहों ने बिल बनाया हो वहाँ वहाँ जाकर रख देना ओके स्टोर रूम और बाथरूम में भी एक भी चूहा बच ना पाए वेरी गुड आइडिया ओके नहीं नहीं तुम एक काम करो तुम जाकर नारियल लेके आओ मैं लड्डू बना दी गो 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 ओके जाने दो गो गो ओके मुझे बता कि बात क्या है देख तू लीडर है सोशल वर्कर है वो ठीक है लेकिन तू दिल का अच्छा है इसलिए ओए वो तो सब ठीक है लेकिन बात क्या है ओए मुसीबत क्या है तू कोइंसिडेंस में विश्वास रखता है हां इत्तेफाक में ओ बिल्कुल नहीं नहीं ओए बिन्नी ये सब इत्तेफाक वित्तफाक सब पहले से तय किया होता है उसने ऊपर वाले ने मगर क्या एक ही दिन में एक ही घर में एक ही साथ अगर तीन तीन घटनाएं हुई हो तो क्या वो इत्तेफाक नहीं हो सकती तीन तीन हाँ तू मुझे सब कुछ साफ साफ बता तू घबराया हुआ क्यों है हाँ नहीं नहीं मैं कहाँ घबराया हुआ हूँ आई एम नॉट टेंस आई एम नॉट सुपरस्टिशियस एट ऑल ओए मतलब ये कि तू भी मेरे जैसा हाँ लेकिन मैं नास्तिक भी नहीं हूँ मैं उपवास करता हूँ व्रत रखता हूँ पूछ क्यों क्यों क्योंकि उसी बहाने थोड़ी सी डाइटिंग हो जाती है ओए बिन्नी और तुझे थोड़ी सी नहीं और बहुत ज्यादा डाइटिंग की जरूरत है मैं मानता हूँ कुछ भी करने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होना चाहिए आई एम नॉट सुपरस्टिशियस है गुड अच्छा बिन्नी ये बता कि हम लोग गणेश उत्सव क्यों मनाते हैं क्यों ओए इसलिए किसी बहाने लोगों का मिलना जुलना होता है वो आदमी टेंशन थोड़ी देर के लिए भूल जाता है ओ इट्स ऑल साइकोलॉजिकल तेरे और मेरे विचार बहुत मिलते जुलते हैं दूसरी बात मैं मानता हूँ तू भी मानेगा देख कि हिंसा बुरी चीज है चाहे इंसान की हो या चूहे की तो मेरे हाथों से आज ही सुबह सुबह एक चूहा मर गया और जैसे ही चूहा मरा तुरंत मुझे ठेस लगी फिर नारियल सड़ा हुआ निकला और फिर विले की कमर में मोच आई ओह माय गॉड ओए तेरे कहने का मतलब है कि ये सब कुछ चूहे के मरने के बाद हुआ हाँ, जैसे ही चूहा मरा नारियल सड़ा सब कुछ एकदम अचानक कैसे सड़ गया पता नहीं आंटी जब सुबह मैं लाई थी तब तो ठीक था और अब सड़ा हुआ है बिली तुम ठीक से देखकर लाई थी ना अरे हिलाकर और अच्छी तरह से परख कर लाई थी परख कर यू इडियट ये देख देख जरा सुन कर देख कितनी बदबू आ रही है चुप ला ला मेरे को दो मैं सूंघती हूँ मत भूल कि साइंस की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है हाँ होती है लेकिन मैं क्या करूं ओए तू प्रायश्चित कर ले नहीं नहीं मैं इतना अनपढ़ गवार नहीं हूं कि एक चूहे के लिए प्रायश्चित करूं चूहों का अंडरएस्टिमेट मत कर ओए तो गणेश जी का वाहन होते हैं ओए तू ऐसा कर 10 दिन तक 11 चूहों को खाना खिला लंच या डिनर तेरी मर्जी बट इट्स नॉट साइंटिफिक ओए है इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है ओए मैंने तो यहां तक सुना है कि राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जहां साल में एक दिन गांव के सारे चूहे इकट्ठा होते हैं लोग उन्हें खाना खिलाते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं अब बोल अच्छा फिर ठीक है साइंस कहती है अनुभव करो फिर कंक्लूजन करो तो राजस्थान वालों ने अनुभव कर लिया अब मैं कंक्लूजन कर लेता हूँ वैसे भी अभी घर में चूहे कुछ ना कुछ तो खाते ही रहते हैं ना तो उससे अच्छा तो मैं ही उनको खिला दिया करूंगा बिल्कुल सिंपल पर यार लोग हंसेंगे ना मुझ पर वही लोग तो हंसते ही हैं इनका काम तो हंसना ही है लेकिन तू इतना ध्यान रखना कि तेरे घर के अंदर किसी भी चूहे के साथ 10 दिन तक कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए मगर वो आंटी की बिल्ली तो आती रहती है कभी कभी मैं उसे भगा दूंगा
ये चूहे की पसंद क्या होती है, वेज या नॉन वेज? चूहे तो सब कुछ खाते हैं, वेज नॉन वेज, फाइल कपड़े लत्ते प्लास्टिक रबड़। तू ऐसा करना, 10 दिन तक उनके बिलों का आगे कुछ खाने के लिए रख देना, ठीक? ऑल द बेस्ट, मैं चला। ए बल्ला 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 यार, एक मुसीबत है। अब क्या है यार? 11 चूहे ने खाना खाया या एक ही चूहा आकर 11 बार खा कर गया, ये कैसे पता चलेगा? पिन्नी पिन्नी पिन्नी, अबे अब क्या ये भी मुझे बताना पड़ेगा? सॉरी सॉरी सॉरी, 11 चूहे या एक ही चूहे 11 बार। आंटी 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 आंटी, आप सो गए क्या? हम किधर हैं? हॉल में। हॉल में? अरे हम क्या आसमान का अंदर उड़ नहीं रहा है? What? हम नारियल सूंघा और हमको लगा हम स्काई का अंदर उड़ रहा है। बहुत अच्छा। लोगों को भांग पीकर ऐसा होता है, आपको सड़े हुए नारियल से हो रहा है? नहीं, मैं भी जाकर फेंक देती। अरे नहीं नहीं, अरे लड़की क्या करती है? हम रखेगा इसको, हमको बहुत अच्छा लगता है, आसमान का अंदर जाएगा। मैंने इसके लिए पूरे 7.5 रुपए दिए। ओके, कच्चे में फेंकने से बेटर है कि आंटी को दे दो। क्यों? ऐसा चमत्कारी नारियल जिसे सूंघते ही आकाश की फ्रीज सैर हो जाए, मैं इसे क्यों दूं? ओके ओके, हम तुमको 2 रुपीस देता है, हमको दे दो। नहीं नहीं, मैं पूरे 7.5 रुपए लूंगी। हाँ, ये सेकंड हैंड नारियल का 7.5 रुपया कोई नहीं देगा, हम तुमको 5 रुपीस देता है, दे दो। दे दे यार। ओके, ये लो। थैंक यू। पैसा? हमारा रेंट का अंदर से काट लेना। बनो उड़ती फिरू मस्त। फ्लाइंग फ्लाइंग। कैसे हैं आप? क्या ले जा रही हैं? तुमको क्या उससे, तुम रेंट लाया? क्या है? नारियल है? हाँ नारियल है, 5 रुपीस देकर अभी खरीदा हम। 5 रुपए में ऐसा सड़ा हुआ नारियल? सड़ा हुआ नहीं है, ये जो है एयर टिकट है। पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में। I am flying. लगता है नारियल के साथ साथ आंटी का दिमाग भी सड़ गया है। मेरा नया ड्रेस कैसा है? नया ड्रेस? फिर तो बड़ा स्वादिष्ट होगा ना? आई मीन बड़ा महंगा होगा ना? ऑफ कोर्स। चूहे ने कहीं आटे के लड्डू खा लिए तो? स्वीट डिश भी हो गई, अब चूहे पेट भर के खाएंगे। जय गणेश। आधी मिठाइयां गायब, जरूर उन चूहों ने खाई होगी। ओह गॉड, ये चूहे! गिले गिले गिले, अरे मिठाइयां, फाइल्स, कुछ 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 काव काव काव, हाँ, फाइल काव, कागज काव, किताब काव। विनी विनी, विनी, चूहों ने सारी दवाई खा ली, अब सब मर जाएंगे। खड़ाक। चुप 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 चुप, मना आने की बात मत करो। क्यों? नहीं नहीं, आज शुभ दिन है ना, तुम्हारा दर्द कैसा है अभी? ओ ठीक है, लेकिन तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं कुछ क्या नहीं। है नहीं, बताओ कुछ बताओ कुछ बताओ नहीं, क्या कुछ। मेरी रोमांटिक नॉवल, तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, वो चूहों को खाने के लिए। हाँ? I mean, चूहों के पढ़ने के लिए। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तुम जिस टाइप की नॉवेल्स पढ़ती हो ना, तो मुझे तो चक्कर ही आ जाते हैं, तो चूहों को कम से कम हार्ट अटैक तो आ ही जाएगा। ये देखो कितनी क्यूट फोटोग्राफ्स है ना।
मैं इसे हॉल में लगाऊंगी। नहीं नहीं, चूहे डर जाएंगे। डर जाएंगे? बिल्ली की तस्वीर है ना। नहीं, डर नहीं जाएंगे, कर जाएंगे, खत्म कर जाएंगे, कुरेद कर खा जाएंगे। ये इस घर में कभी भी नहीं लगेगा। नेवर। बिल्ली पागल हो गया होगा। नेवर। विकी, बिल्ली, चलो डिनर इज सर्व। पता है मिसेस मिरांडा भी आज हमारे साथ खाना खाने वाली है। बिल्ली, खाना तुमने बनाया? ऑफ कोर्स, मैं नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगा। बाय। जब तक चूहों का खाना नहीं होता मैं नहीं खा सकता। क्या? नहीं नहीं, जब तक चूहों का खात्मा नहीं होता मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, भूखे मरो, मैं तो प्रसाद चढ़ाकर खाने वाली हूँ। ओके, लेकिन नारियल कहाँ है? नारियल इधर है। हाँ, तुम्हारे पास। हाँ, लाओ हमारा 5 रुपया, तुम हमको बेवकूफ बनाया। हाँ। लेकिन आंटी, आपने तो उसे रेंट में से काटा है। अब रेंट में से नहीं काटेगा। मगर हुआ क्या है आंटी? अरे हुआ क्या, ये नारियल को सुनकर हमको लगा कि हम हवा का अंदर उड़ रहा है। इसके वास्ते हम एक और सड़ेला नारियल लेने को गया, तो वहां पता चला ये नारियल सड़ेला नहीं है। ये नारियल सड़ेला नहीं है? नहीं, इसका ऊपर किसी ने 620 डाला है, जिसको सुनकर हमको चक्कर आ गया। तुम लोग हमको बेवकूफ बनाया। हाँ, किसने किसने डाला इस पर 620? किसने डाला? अरे हाँ, याद आया, परसों के दिन मैंने एक नारियल खरीदा था और चूहों को मारने के लिए उसके ऊपर मैंने 620 डाला था। हाँ, उसी को सुनकर हमको चक्कर आ गया और हमको लगा कि हम स्काई का अंदर उड़ रहा है। चुपित। दवा सूने से ऐसा होता है आंटी। हमको तो हुआ था। मगर क्या ये नारियल सचमुच सड़ेला नहीं है? नहीं। मतलब गणेश जी का श्राप भी नहीं है? गणेश जी का श्राप मतलब? मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? रुको, क्या हो रहा है बिनी? ये देखो, इसने मेरी नई ड्रेस चूहों को खिलाने के लिए रखी थी और ये तुम्हारे लव लेटर्स भी मिली। मेरे लव लेटर्स? हाँ बिनी, अंधविश्वास के चूहे ने तुम्हारा दिमाग खुरेद कर रखा था और तुम सोचने लगे थे कि तुमने चूहा मारा है तो गणेश जी तुम्हें श्राप देंगे। अच्छा? हाँ। अरे विनी, भगवान अपने भक्तों के बारे में बुरा क्यों सोचेंगे? वो तो हमारे जन्मदाता है, हमारे पिता है। क्या पिता अपने बच्चों के बारे में बुरा सोचेंगे? अरे इंसान गलती करता है तो भगवान उसे मौका देता है अपनी गलती सुधारने का। और तुम तो पढ़े लिखे हो विनी, तुम चूहों को खाना खिला रहे थे, हद हो गई। लेकिन आंटी, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों में प्रेम बांटता है, श्राप नहीं। I am sorry. Sorry, Vicky, वो। अरे लेकिन वो नारियल कहाँ है जो मैं आज सुबह माँ के चलाई थी? वो तो मैंने पुराना समझकर चूहों को खिला दिया। What? You idiot! You idiot! You stop that! अरे जल्दी चलो, 6:15 बज गए, पिक्चर का टाइम हो गया। अरे कितना टाइम लगाते हो तुम लोग ड्रेस चेंज करने में? चलो लड़के लोग, चलो। क्या हुआ? काली बिल्ली ने रास्ता काटा, अब हम नहीं जा सकते। You superstitious!